अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरिना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के स्टूडियो हम सीखेंगे हम किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो में एक वर्चुअल डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो मौजूद है। हम यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो का जिराफे वर्जन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि टॉप राइट के ऊपर यहाँ पर एक आइकॉन है मोबाइल का, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया है तो ये वाली विंडो मेरी ओपन हो गई है। या फिर अगर आप टूल्स में आ जाते हैं तो टूल्स में भी यहाँ पर ये डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बटन है, यहाँ पर मेरे पास फिजिकल और वर्चुअल, इस तरह से दो डिवाइसेस। ये जो डिवाइस मैंने फिजिकली यहाँ पर अटैच की थी वो आ रही है, लेकिन हमने वर्चुअल बनानी है इस मशीन के अंदर। क्रिएट डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आपने जो डिवाइस बनानी है वो किस चीज़ के लिए बनानी है। इधर लेफ्ट पे देखिएगा, फ़ोन है, टैबलेट, वियर ओएस है, अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है उसके आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर ये डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप मॉनिटर्स के लिए। यहाँ पर टीवी भी मौजूद है, आप टीवी की कोई ऐप बना रहे हैं स्मार्ट टीवी के लिए, या फिर ऑटोमोटिव है जो आजकल स्मार्ट कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, उसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम आ रहा है, उसके लिए आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने चूंकि फ़ोन के लिए बनानी है तो मैं फ़ोन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ फ़ोन तो वैसे ही आ रहे हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर नहीं है, और कुछ फ़ोन में यहाँ पर प्ले स्टोर भी मौजूद है। तो आपने जो भी डिवाइस बनानी है, अगर आप चाहते हैं कि प्ले स्टोर की सर्विसेज आप अपने वर्चुअल डिवाइस के ऊपर यूज़ कर सकें, तो फिर आपने इस वाले आइकॉन के साथ वाली जो डिवाइस होगी वो बनानी है। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, अपनी मेमोरी को बचाना चाहते हैं, सिंपल आपने अपनी ऐप को बनाया है, डिवेल्प किया है, उसको आपने टेस्ट करना है, तो फिर आप बगैर इसके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से ले लेते हैं, ये जो डिवाइस है पिक्सल 6, इसको हम ले लेते हैं। प्ले स्टोर की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्ले स्टोर वाली चाहिए तो आप प्ले स्टोर वाली पे क्लिक कीजिएगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो सिस्टम इमेज है वो आपको चाहिए। सिस्टम इमेज से क्या मुराद है? सिस्टम इमेज ये होता है कि आपको जब आपकी वर्चुअल डिवाइस बन जाएगी तो उसके ऊपर एक एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो इंस्टॉल होगा, जैसे हमारे पीसी में विंडो इंस्टॉल होती है। तो उसके लिए हमें आपने एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन अपने फ़ोन में अपने वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल करवाना है तो वो आपने यहाँ से ले लेना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास 5.1 लॉलीपॉप से लेकर और ये टॉप के ऊपर मेरे पास यहाँ तक टी तक आ रहा है। तो अब जो भी आपको चाहिए वो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर ले लेते हैं क्यू वाला, ले लेते हैं। तो क्यू के ऊपर मैंने इस तरह से ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और जब ये डाउनलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पर इसका जो साइज़ आ रहा है वो है 1.1 GB। आपका इंटरनेट यहाँ पर ऑन होना चाहिए, तब ही आपकी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। अब जब ये मुकम्मल डाउनलोड हो जाएगा तो एक स्क्रीन पे फिनिश का बटन आएगा, फिनिश का बटन मैंने दबाया तो ये स्क्रीन मेरे पास वापस आ गई है। अब हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने डाउनलोड किया है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी डिवाइस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ने रखा है हम वही रहने देते हैं। यहाँ पर इसका मोड है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने रखना है पोर्ट्रेट और यहाँ पर हमने कर देना है फिनिश। अब यहाँ पर आप डिवाइस मैनेजर में देख रहे हैं कि हमारी वाली जो डिवाइस है यहाँ पर आ चुकी है। आइए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो व्यूअर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा एमुलेटर यहाँ पर आ चुका है। ये हमारी जो एप्लीकेशन है छोटी सी, ये हमने यहाँ पर चलाई है, ये इसके अंदर आ चुकी है। किसी भी जगह पे आपने कुछ लिखना है उसके लिए कीबोर्ड भी आ चुका है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख भी सकते हैं और इसका जो पूरा फंक्शन है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बैग आते हैं तो ये हमारा जो फ़ोन है ये भी इसके अंदर आ चुका है, ये जो एप्लीकेशन हैं ये इसके अंदर आ चुकी हैं। इसको इस तरह से करेंगे तो ये इसका मुकम्मल मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसका आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट, जूम इन इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको फुल स्क्रीन पे भी चला सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप इसको अलग से विंडो में मुकम्मल जूम करके भी इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं, पावर ऑफ का बटन है, इस तरह से पावर ऑन का बटन है, जैसे आपका ये पावर बटन होता है, इस तरह से ये वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका रोटेट भी है, आप इसको रोटेट करके भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से ये तीन बटन हमारे नीचे आ रहे होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, बैक का, होम का और ये रिसेंट ऐप्स का। यहाँ पर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप ये दबाते हैं बटन एक्सटेंडेड कंट्रोल्स का तो ये मज़ीद ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। लोकेशन के अगर आप काम कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन पर तो उसका यहाँ पर आप ले सकते हैं। डिस्प्ले के हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका जो सेलुलर नेटवर्क है अगर आप इसमें सिम डालेंगे उसके मुताबिक कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी सेटिंग आप यहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरिना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।